हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करिश्मा सिटी के बारे में, और करिश्मा ने पहले क्या लॉन्च किया, उसके बाद की क्या डेवलपमेंट है और फ्यूचर की क्या डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ में डिस्कस करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और करिश्मा सिटी के आसपास की जो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की जा रही है और इसका फ्यूचर के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमें करिश्मा क्यों बाय करना चाहिए ये भी डिस्कस करना है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इस सेंटर पॉइंट के ऊपर खड़ा होकर आपको ये बताऊंगा कि इस सेंटर पॉइंट में ऐसा क्या है कि कल को आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल सके, और यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो क्यों ग्रो करेंगी, और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हर इंसान सोचेगा कि हम इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर लेते तो बेटर होता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं कि अभी मैं एक्चुअल में खड़ा कहां हूं। मैं खड़ा हूं सीपीआर रोड के ऊपर, जो कनेक्टेड हो जाता है आगे क्लोवरली फ्लाईओवर, नेशनल हाईवे NH8, और अगर हम स्टेट जाएंगे तो SPR एक्सटेंशन रोड और सोना रोड को कनेक्टेड हो जाएंगे। दिल्ली लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेशनल हाईवे NH8 से हम गुड़गांव चले जाएंगे, और राइट साइड चले जाएंगे तो हम मानेसर, फिर आप तो हम जयपुर चले जाएंगे। उसके बाद अगर मैं ये ओपन एरिया की बात करूं तो यहाँ पे 15 एकड़ का ISBT का यहाँ पे ISBT बस स्टैंड बनेगा, जो गुड़गांव का पुराने जो ओल्ड गुड़गांव है वहां से उठा के यहाँ 15 एकड़ में सीही गांव है यहाँ पे आ रहा है, और यहीं पे मेट्रो डिपो का प्लान है, और इसी के अपोजिट साइड में सेक्टर 84 लगता है, और सेक्टर में हेलीपोर्ट का भी प्लान किया गया है, अगर आप गूगल करेंगे तो आ जाएंगे। सामने की बात करूं तो ये ट्रम्पेट जंक्शन है जो कनेक्टेड कर देता है आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से, और आप अगर नीचे से जाएंगे तो सीधा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर होते हुए आप पहुंच जाएंगे मानेसर, जो कि IMT हब है। तो ये कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है यहाँ का, क्योंकि यहां जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो रियल स्टेट के अंदर आपको ग्रो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं इसका एक एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है आप समझ भी जाएं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट करिश्मा का है, यानी कृष्णा ग्रुप और सुमितोमो कॉरपोरेशन मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जिसके अंदर इनका 50-50 इक्विटी है। तो एक्चुअल में इनकी प्रोफाइल अगर आपको जानना है तो मैंने पहले इस करिश्मा प्रोजेक्ट की प्रॉपर सीरीज बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको मैंने गहराई से डिस्कस किया हुआ है, वो नहीं डिस्कस करते। अब मैं बात करता हूं इस प्रोजेक्ट की। ये 2019 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 8,000 रुपए के रेट से, तो उस टाइम ना तो ये क्लोवरली फ्लाईओवर था और ना ही CPR था और ना ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर उभर के आया था आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का, ठीक है। और तब तक लोग ग्लोबल सिटी के बारे में भी नहीं जानते थे, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आया था तो ये गांव है, गांव के अंदर से रास्ता हुआ करता था इसका, और यहाँ बहुत फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था, जैसे आज ग्लोबल सिटी का एरिया देखोगे। तो जब ये प्रोजेक्ट आया था तो लोग तब भी कहते थे कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये महंगा रेट है 8,000 रुपए का भी। तो आज यहाँ पे रीसेलिंग वैल्यू 16 से लेकर 17,000 रुपए तक की आ गई है, और कंपनी का फ्रेश जो प्राइस है इस प्रोजेक्ट का वॉटरफॉल का लमसम 20,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, 21,000 रुपए पे ऊपर इन्होंने इसको क्लोज कर दिया है इसकी प्राइस वैल्यू को। उसके बाद 2023 मई में ही जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे इन्होंने एक टावर लॉन्च किया था लमसम 3.5 एकड़ का यहाँ पे है, और यहाँ पे इन्होंने स्टूडियो लॉन्च किया था 15,500 रुपए से लेके आज यहाँ पे भी 20-21,000 रुपए का ये बॉक्स प्राइस क्लोज कर चुके हैं। इसके साथ में इनकी जो मेजर जो डेवलपमेंट है वो ग्लोबल सिटी के साथ है, इनकी जो वॉल शेयर होती है वो ग्लोबल सिटी के साथ होती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो लैंड पार्सल था वो था इनका 65 एकड़ का। 65 एकड़ के अंदर इन्होंने 10 एकड़ मैक्स हॉस्पिटल को दे दिया, जो कि उधर पड़ता है ये द्वारका एक्सप्रेसवे के फ्रंट वाली साइड, इस साइड में आपका 10 एकड़ का मैक्स के आ गई। उसके बाद फिर इनकी जो डेवलपमेंट है 55 एकड़ की डेवलपमेंट अभी बची हुई है, और अभी ये Phase 3 की प्लानिंग कर रहे हैं रेजिडेंशियल के अंदर, और रेजिडेंशियल के अंदर इन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट को बदल दिया है, तो अब ये Phase 3 की प्लानिंग कर रहे हैं। तो Phase 3 के अंदर ये रेजिडेंशियल टावर लेके आएंगे, उसके बाद इनकी कमर्शियल की प्लानिंग रहेगी इंटरनल, क्योंकि वहां पे ये मिक्स यूज लैंड का कंसेप्ट उनको यूज करने वाले हैं। तो इनकी मेजर जो कंसेप्ट है वो ग्लोबल सिटी के साथ है, जो 1,000 एकड़ की आने वाली है।
तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट के साथ है, साथ में गवर्नमेंट की जो मेजर जो सेंटर की जो डेवलपमेंट है ग्लोबल सिटी उसके साथ है, यानी चारों तरफ से आप एक बेटर व्यू से घिरे हुए हैं। जो एंट्रेंस रहेगा ये सीपीआर रोड है, सीपीआर रोड के साथ में कमर्शियल एक सर्विस लाइन बनाई जाएगी, उस सर्विस लाइन से इन प्रोजेक्टों की एंट्री रहेगी। यानी इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ आने वाला है दोस्तों, आप मिलके कंसेप्ट कर रहे हैं। अगर आप सामने देख रहे हैं तो रोड बनाया जा रहा है, ये इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा है एंट्री देने के लिए, क्योंकि इसकी फरवरी मार्च में जाके पोजेशन का प्लान कर रहे हैं डेवलपर, तो इसके लिए एंट्री देना बहुत जरूरी है। अभी एक टेम्परेरी एंट्री बना रहे हैं, जो इनकी सामने सेल्स गैलरी, इसके पीछे से रोड, यहाँ तक वाटरफॉल रेजिडेंसी तक रेडी करेंगे, जिससे व्हीकल्स आएंगे जो जिन्होंने वाटरफॉल के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उनको आने जाने के लिए एंट्रेंस देने के लिए एक रास्ता रेडी किया जा रहा है, क्योंकि अभी सर्विस लाइन में अभी टाइम लगेगा इस सर्विस लाइन को बनने में, तो इसलिए त्रिशूमी अपनी लैंड के अंदर एक टेम्परेरी रोड रेडी कर रहा है, जो वाटरफॉल रेजिडेंशियल के अंदर जो लोग रहेंगे उनका आने जाने के लिए रास्ता रेडी कर रहे हैं, क्योंकि जल्द ही इनकी ओसी आने वाली है। तो दोस्तों फेज थ्री आ रहा है, जिन लोगों ने इसके अंदर ऑप्शन गवा दिया या अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, उसके बाद स्टूडियो के अंदर मिस किया, अब तीसरी जो चीज आ रही है वो आ रही है इनकी रेजिडेंशियल की। यहां भी लोग सोचेंगे, आरएनडी करेंगे, समझेंगे, तब तक ये भी चीज जा चुकी होगी, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड ही फ्लैट अभी ओपन होने वाले हैं। ईवाई है वो स्टार्ट कर दी है, आप चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर और ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी त्रिशूमी की जो सीरीज है उसको आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने सैंपल फ्लैट वगैरह सब कुछ रेडी किया हुआ है। जो फेज थ्री अभी आएगा रेजिडेंशियल, वो इस अपार्टमेंट का अपग्रेड आएगा, जो कमी इस प्रोजेक्ट के अंदर थी उससे ज्यादा जो इनको इन्होंने इंप्लीमेंट किया है कस्टमर रिव्यू के अकॉर्डिंग, वो फेज थ्री के अंदर आएगा, क्योंकि वहां पे साइज भी बड़े हैं और पार्सल भी बड़ा है और फैसिलिटीज भी बड़ी है और टावर की जो हाइट है वो भी बहुत बड़ी है, यानी जो ये टावर देख रहे हैं इनसे भी बड़ी हाइट के टावर वहां आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका द्वारका एक्सप्रेस व्यू, क्लोवरलीफ व्यू और साथ में आपका ग्लोबल सिटी का व्यू है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे इनकी लीजिंग पावर है, बहुत पावरफुल लीजिंग है, क्योंकि ये वाटरफॉल में ऑलरेडी 40 यूनिट लीज आउट पहले ही कंपनी को कर चुके हैं और आगे भी इनकी प्लानिंग है कि ये बड़े कंपनीज को लीज आउट करें, क्योंकि इसमें आइडिया लेके चल रहे हैं ये 110 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट की लीजिंग इस प्रोजेक्ट के अंदर आज के टाइम है। आप एक जेएलएल ने एक रिपोर्ट रेडी की थी, उसके अंदर जेएलएल ने 6.75 पैसे पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसके अंदर जो पर स्क्वायर फीट का लीजिंग रेट रहेगा वो यहाँ पे ओपन होने वाला है, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों। और दूसरा है कि इस प्रोजेक्ट के जो बना रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट बना रहा है, कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि डीएलए परालियाज, मंगोलियाज, कमेलियाज जैसे प्रोजेक्टों में भी आपको सीपेज देखने को मिल सकती है, अगर आप थोड़ा सा उस चीज को फोकस करके या ध्यान से देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये टाटा प्योर माइवन से बना रहा है और यहाँ पे सीपेज का मेरे हिसाब से कोई सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो अलग ही झलक रही है, क्योंकि टाटा जब भी अपने प्रोजेक्ट बनाता है तो एलएनटी से कंस्ट्रक्शन करवाता है, क्योंकि टाटा की जो कॉस्टिंग वैल्यू होती है वो बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो आप एक ब्रांड के साथ जा रहे हैं, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे होना है, एक चीजें होती है जी आएगी, ये सारी चीजें प्लांड है गवर्नमेंट के पेपर के अंदर, तो आप ये चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और मिल सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही प्रोजेक्ट डिटेल वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। थैंक यू।